वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं, गाइस प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। ये आर्टसी चैनल है, यहाँ खूब मस्ती होती है। मैं आपको पूरी स्टेप्स बताती हूँ कि ड्राइंग कैसे बनानी है। सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड जो लोग इस चैनल पे रेगुलरली आते हैं, हाय। सो टुडे वी आर गोइंग टू मेक अनदर पेंटिंग एंड इस पेंटिंग का थीम होने वाला है राधा कृष्णा। तो बचपन में हमने कितनी ही कहानियां सुनी है राधा कृष्णा की। आई थॉट व्हाई नॉट मेक अ पेंटिंग अबाउट देम। सो या बहुत इजी टेक्निक होने वाली है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें इस पेंटिंग को बनाने के लिए क्या क्या चीजें लगेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज अ राउंड कैनवस एंड आप कोई भी शेप एंड साइज का कैनवस यूज कर सकते हैं, बट आई एम पर्टिकुलरली यूजिंग अ राउंड कैनवस। द डिमेंशंस ऑफ दिस कैनवस इज 12 इंचेस इन डायमीटर। एंड हाँ, सबसे पहले हम इसकी फॉइल निकालेंगे एंड देन वी गेट स्टार्टेड। सो हम इस पेंटिंग के लिए जो मीडियम यूज कर रहे हैं दैट इज एक्रेलिक कलर्स। सबसे पहले हम एक रफ स्केच बनाएंगे जिसमें हमारी राधा कृष्ण जी की आउटलाइन बनी होगी। ये कॉम्पोजिशन मैंने खुद से क्रिएट किया है, आप भी चाहें तो इस कॉम्पोजिशन को यूज़ कर सकते हैं या अपना कोई कॉम्पोजिशन बनाकर उस पर इस तरह से आर्ट क्रिएट कर सकते हैं। राधा जी और कृष्णा जी की तो कितनी कहानियाँ सुनी हैं हमने एंड देयर लव स्टोरी इज रियली फेमस। सो उनका स्केच बनाते हुए बांसुरी के साथ वील मूव अहेड टू द कलर्स एंड आई एम यूजिंग आर्टिस्ट ग्रेड एक्रेलिक कलर्स ओवर हियर एंड इट्स अ वेरी ट्रस्टेड ब्रांड कैमल एंड काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है इससे। सो हियर आई एम ऑल्सो यूजिंग सम एक्रेलिक ब्रशेस। कलर बनाने के लिए आई एम यूजिंग द प्राइमरी शेड्स दैट इज रेड, ब्लू एंड येलो। स्किन कलर के लिए आई हैव पर्टिकुलरली यूज्ड रेड कलर एंड येलो कलर एंड या आई स्टार्टेड हियर। एक चीज़ जिसका मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप ध्यान रखें इस कि कलर बनाने में आप बिल्कुल कंजूसी ना करें, क्योंकि पेंटिंग में फिर वापस से वही शेड ऑफ कलर लाना हो सकता है थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाए आपके लिए। सो यहाँ तो वी वांट कि द स्किन बिलो द नेक हैज़ टू बी अ लिटिल डार्क, बट हाँ आप कलर बनाने में कंजूसी ना करें। एंड द टेक्निक दैट आई एम यूजिंग हियर इज ब्लेंडिंग। So once I have the base color on, I am blending the darker tones जहाँ भी मुझे shadow दिख रही है। Shadow के लिए हम उसमें थोड़ा darker tone लाते हैं, brown color का use कर सकते हैं। कृष्णा जी के कपड़े I am making in blue tone and here I am using another technique. Since I want to use this blue color itself, so अपन को पता है कि acrylic color is water solvent, तो मैंने water use किया है rather than white paint, क्योंकि मुझे यही solid blue color चाहिए था। अगर आपको इसमें lighter tone चाहिए होगा तो आप इसमें white का use करेंगे rather than water। And Krishna जी का एक बार वो हमने आउटफिट थोड़ा क्रिएट करा है एंड फिर मैं राधा जी पर आई हूँ एंड हियर आई एम गिविंग हर अ लिटिल लाइटर टोन देन कृष्णा जी। एंड डोंट हेजिटेट इन चेंजिंग द ब्रशेस, क्योंकि हो सकता है कोई बड़ा सरफेस हो और उसमें एक ही कलर हो तो आप उसके लिए फ्लैट ब्रश यूज़ कर सकते हैं एंड ब्लेंडिंग के लिए भी फ्लैट ब्रश यूज़ कर सकते हैं। एंड जहाँ पर भी आपको लगे कि आपको डिटेलिंग देनी है यू कैन यूज अ राउंड ब्रश एंड कंटिन्यू द प्रोसेस एज वी डिड फॉर कृष्णा जी। सो नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द बैकग्राउंड वंस टू गेट एन आइडिया ऑफ द टोन्स। मैं काफ़ी वाइब्रेंट इमेज चाह रही हूँ। सो आई हैव यूज्ड येलो हियर
now I've taken crimson red. I love the shade of this red and मैं उसको blend कर रही हूँ हमारे yellow में. हमें इस process में थोड़ा quick होना रहेगा ताकि हम colors को blend करें तो उनमें fine lines ना create हो. To mix the green and red here, I am putting a coat of yellow first and then I am trying to blend it. एंड हम इसके ऊपर एक ऑरेंज का कोट करेंगे ताकि वो कलर्स प्रॉपरली ब्लेंड हो जाए, सिमिलर टू द वे जैसा हमने राइट साइड में किया था. एंड डोंट हेजिटेट इन यूजिंग गुड क्वांटिटी ऑफ कलर क्योंकि उससे आपकी पेंटिंग अच्छी बनती है. एंड या आई हैव यूज्ड ऑरेंज कलर हियर क्योंकि उतना ही वाइब्रेंस मुझे चाहिए था जितना इस कलर में है. आप कोई और शेड भी यूज कर सकते हैं ऑरेंज का या खुद से क्रिएट कर सकते हैं. Cover every corner with the paint and have clean edges in your painting. For the jewelry, I am using yellow ochre tone here. And अभी हमने ये एक dark base color कर दिया है. After making the base of the jewelry, we can create highlights and shadows here. मैं यहाँ पे highlight create करने के लिए yellow tone use कर रही हूँ जिससे थोड़ा pop आए color में. बालों में डेप्थ लाने के लिए आई एम यूजिंग अ लिटिल डार्कर शेड ऑफ ब्राउन एंड क्रिएटिंग दोज लेयर्स इन राधा जी के बाल. सो या एंड आई थिंक इट ब्रिंग्स अ रियली नाइस टच इन द पेंटिंग. हम मांग टीका कैसे भूल सकते हैं. सो या वी विल क्रिएट दैट इज वेल. Very easy to build layers when you are working with acrylic colors. तो अगर आपको कोई शेड पसंद ना आए आप उस पर वापस से पेंट कर सकते हैं एंड आपका बेस कलर पिकअप नहीं होगा. With the help of a thin brush, thin round brush, हम काजल अप्लाई करेंगे टू बोथ ऑफ द आईज. Don't forget to build the layers in the turban and cloth का जो effect होता है एक दूसरे को overlap करने वाला, आप ध्यान से उसे भी include करने की पूरी कोशिश करें.
कृष्णा जी हो और उनकी बांसुरी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो इस कॉम्पोजिशन में हमने बांसुरी को भी इंक्लूड किया है। इफ़ यू थिंक कि कहीं और भी आपको हाईलाइट्स ऐड करना है, दिस इज़ द राइट टाइम। ऐड दोज हाईलाइट्स यूजिंग अ लाइटर शेड और अ कलर सच इज वाइट। एंड हियर इट इज, आवर पेंटिंग इज रेडी। कैसी लगी आपको ये पेंटिंग? क्या आपको भी इसे बनाने में बहुत मजा आया? मुझे तो बहुत मजा आया। सो आई लाइक टू सी योर पेंटिंग्स। डोंट फॉरगेट टू टैग मी व्हेन यू मेक इट। आई विल बी शेयरिंग माय इंस्टाग्राम हैंडल ओवर हियर। एंड या डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि हमें आगे भी ऐसी काफी सारी पेंटिंग्स बनानी है। बाय बाय।